हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। यानी चैप्टर 7 है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भूआकृतिक प्रक्रियाएं। तो सबसे पहले भूआकृतिक प्रक्रियाओं का अर्थ है वो जान लेना जरूरी है कि भूआकृतिक प्रक्रियाओं का अर्थ या मीनिंग है वो क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित, धरातल के यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके ऊपर अंतर्जनित और बहिर्जनित। अंतर्जनित वो बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, बहिर्जनित वो बल होते हैं जो पृथ्वी के सॉरी बाहरी अर्थ सरफेस के ऊपर उत्पन्न होते हैं। अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक प्रतिबल यानी फिजिकल जो प्रतिबल और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो रासायनिक केमिकल जो प्रोसेस होती है उनके फलस्वरूप भूतल के विन्यास में यानी भूतल के ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर होने वाले परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। यानी धरातल के पदार्थों का भौतिक बलों द्वारा या आंतरिक बलों द्वारा जो परिवर्तन होता है, जो भूतल के विन्यास में जो चेंजमेंट आता है उसको भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो कहा जाता है। उसके बाद आता है कि डिफरेंस बिटवीन जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट, कि डिफरेंस क्या होता है कि भूआकृतिक प्रक्रियाओं और भूआकृतिक कारकों में अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट। भूआकृतिक प्रक्रिया एक बल होता है, कि जो भूआकृतिक प्रक्रिया है वो एक फोर्स होता है, वो एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनप्रयुक्त होने पर, कि धरातल के ऊपर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके साथ अनुप्रयुक्त होने पर उन्हें प्रभावित करता है, कि उसके साथ जब उसका कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो वो उनको इफेक्ट है वो डालता है। भूआकृतिक कारक। अब भूआकृतिक कारक क्या है? जल, हिम, वायु एवं समुद्री तरंगों जैसे वे बहिर्जनित तत्व, यानी समुद्री तरंगों जैसे वे बहिर्जनित तत्व या एलिमेंट या साधन होते हैं जो धरातलीय सेलों का अपरदन व परिवहन करने में सक्षम होते हैं। यानी ये वो एजेंट होते हैं जो धरातलीय पदार्थों का परिवहन करने में, अपरदन इरोजन करने में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करने में और उनको डिपॉजिट करने में ये जो फोर्सेज हैं वो सक्षम होते हैं, वो कैपेबल होते हैं। जब ये साधन यानी जियोमॉर्फिक एजेंट, जब ये साधन ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं, ढाल प्रवणता में स्लोप के कारण, ढाल के कारण, जैसे कि ये ढाल, ठीक है, ये इधर ये कहें कि ये ढाल, इस ढाल के, कि जब ये साधन ढाल प्रवणता के कारण गतिशील यानी मूवमेंट में आ जाते हैं तो अपरदित शैल पदार्थों को ढाल के सहारे बहाकर या खिसकाकर उन्हें निचले भाग में निक्षेपित कर देते हैं। कि जब ये फोर्सेस जैसे वायु, हिम, जल, ये ढाल प्रवणता के सहारे ये मूवमेंट में आ जाते हैं, गतिशील आ जाते हैं, तो ये धरातलीय पदार्थों को बहाकर निचले भागों में उनको डिपॉजिट है या निक्षेपित है वो कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और जियोमॉर्फिक एजेंट, गुरुत्वाकर्षण बल और भूआकृतिक प्रक्रियाएं। ढाल प्रवणता यानी स्लोप ग्रेडियंट के साथ साथ पदार्थों में गतिशीलता लाने के लिए, कि स्लोप तो रेस्पॉन्सिबल है ही, जो ढाल है, जैसे कि मान लो ये ऐसे ढाल है, हमने ये कह दिया कि भाई ढाल, जैसे कि ये स्लोप है तो इसके ऊपर ये कंकड़ पत्थर पड़े हैं, ये ढाल है, ये तो इनमें गतिशीलता लाने में सहायक ही है ही, इसके साथ साथ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी, क्योंकि ग्रेविटी है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो चीजों को नीचे की तरफ खींचता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी इसमें फोर्स लगाता है कि इन अवसाद को या सेल मटेरियल्स को या पदार्थों को नीचे की ओर आने में। ढाल प्रवणता के साथ साथ पदार्थों में गतिशीलता लाने के लिए गुरुत्वाकर्षण भी अनिवार्य है, जो गुरुत्वाकर्षण वो भी कंपलसरी है। ढाल प्रवणता और गुरुत्वाकर्षण के बिना यानी स्लोप ग्रेडियंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बिना अपरदन परिवहन और निक्षेपण नहीं हो सकता। यानी स्लोप ग्रेडियंट, ग्रेडियंट प्लस
ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बिना है जो अपरदन यानी इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड जो डिपोजिशन है वो पॉसिबल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एक दिशात्मक बल है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है इज आल्सो ए डायरेक्शनल फोर्स, क्या है कि ये एक डायरेक्शन देता है, ठीक है, एक दिशात्मक बल है जो ढाल के सारे सभी पदार्थों के संचयन को आरंभ करता है। कि जो ग्रेविटेशन फोर्स इज आल्सो ए डायरेक्शनल फोर्स इफ ही प्रोवाइड ए स्लोप ग्रेडियंट टू सेल मटेरियल, कि उनको संचलन को मूवमेंट को ढाल के सहारे एक दिशा है वो प्रदान करता है या उसको एक मूवमेंट है वो प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी जियोमॉर्फिक के प्रकार। जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो टू टाइप्स का होता है, अंतर्जनित प्रक्रियाएं और बहिर्जनित प्रक्रियाएं यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं वो पृथ्वी के ऊपर विषमताएं उत्पन्न करती हैं और जो एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज हैं वो पृथ्वी के ऊपर विषमताओं को दूर करने का कार्य है वो कर सकती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कि हमारी जो पृथ्वी है भूआकृतिक प्रक्रियाओं के दो विरोधात्मक वर्गों के खेल का मैदान है, कि दो वर्ग दो विरोधात्मक जो वर्ग हैं उनके खेल का मैदान है। कि एंडोजेनेटिक जो फोर्सेज हैं वो पृथ्वी के ऊपर विषमताएं दूर कर विषमताएं उत्पन्न करती हैं और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं वो पृथ्वी के ऊपर विषमताओं को दूर करने का कार्य है वो करती है। अब देखो अंतर्जनित जो प्रक्रियाएं हैं इनको हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, यानी एंडोजेनेटिक जो प्रोसेस है। पहला है आपका पटल विरूपणी बल, यानी इसको टू पार्ट्स होते हैं, पटल विरूपणी बल और आस्मिक बल, ठीक है। पटल विरूपणी बल के फिर दो पार्ट्स होते हैं, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल। फिर महाद्वीपीय निर्माणकारी जो बल है उसके टू पार्ट्स है, अधोमुखी बल और अधोमुखी बल। जो पर्वत निर्माणकारी बल है उसके फिर टू पार्ट्स हैं, संपीड़न और तनाव, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसको डिस्कस करेंगे पटल विरूपणी बल को यानी डायस्ट्रोपिज्म। वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपटपट्टी को संचालित उत्थापित अथवा निर्मित करती हैं, कि वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपटपट्टी को संचालित उत्थापित अर्थात निर्मित करती हैं जो क्रस्ट को वो डायस्ट्रोपिज्म कहलाती है, यानी पटल विरूपण बल है वो कहलाती है। भूपटपट्टी के नीचे अनेक कारणों से धीमी किंतु निरंतर हलचलें होती रहती हैं जिनका परिणाम हजारों लाखों वर्षों के बाद सामने आता है। अपने छोटे से जीवन काल में हम इनके द्वारा विभिन्न भू आकारों को बनता बिगड़ता नहीं देख पाते, इसलिए इन मंद गतियों को दीर्घकालिक संचरण भी कहा जाता है। कि पटल विरूपण में क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो स्लो स्लो मूवमेंट है वो होती रहती है। हमारा जीवन काल छोटा सा होता है, मैक्सिमम 70 ईयर्स 80 ईयर्स तक हमारा जीवन है वो समाप्त हो जाता है। तो हम अपने इस छोटे से जीवन काल में जो ये हलचलें होती है और इनका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को नहीं देख पाते, ठीक है। उस इसके टू पार्ट्स हैं, पहला है आपका महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, क्षितिज यानी वर्टिकल, ठीक है, क्षितिज यानी वर्टिकल के लंबवत चलने वाली इन अंतर्जनित हलचलों के कारण भूपटल के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं व कुछ अन्य नीचे धस जाते हैं। ऊर्ध्वाधर हलचलों से पृथ्वी पर महाद्वीपों पठारों तथा मैदानों की रचना होती है, इसलिए इन हलचलों को महाद्वीपीय निर्माणकारी बल कहा जाता है। कि इसमें क्या होता है कि कुछ ऊर्ध्वाधर चलते हैं कुछ क्षैतिज चलते हैं, इसके कारण पृथ्वी के ऊपर यानी अर्थ सरफेस के ऊपर पर्वत पठार मैदान या महाद्वीपों का निर्माण होता है, इसलिए इसको महाद्वीपीय निर्माणकारी बल है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, इसके टू पार्ट्स हैं, अर्धोमुखी बल और अधोमुखी बल, अपवर्ड फोर्सेज एंड डाउनवर्ड फोर्सेज। तो अपवर्ड फोर्सेज है ये, ठीक है, अपवर्ड फोर्सेज। इन बलों के कारण महाद्वीपों के विशाल भूभाग ऊपर की ओर उठते हैं। कि अपवर्ड फोर्सेज में क्या होता है कि इन बलों के कारण जो महाद्वीपों के विशाल भाग हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं, जैसे हम कह सकते हैं हिमालय का ओरिजन, ये अपवर्ड फोर्सेज के कारण ही ये हुआ है। फिर दूसरा आता है आपका डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्सेज। इन बलों के प्रभाव से महाद्वीप दो भागों में से नीचे धसते हैं,
पहला, स्थल का कोई भाग अपने निकटवर्ती भूभाग से नीचे धस जाता है, इसे सब्सिडेंस कहते हैं। कि इसमें क्या होता है, स्थल का कोई भूभाग, जैसे ये स्थल का कोई भूभाग है, ये अपने दोनों भागों से नीचे धस गया, इसको हम कहेंगे सब्सिडेंस। आसपास के किनारे हैं वो ऊपर उठे रह गए और जो बीच का भाग है वो नीचे धस गया। दूसरा कारण बनता है इसमें, जब कोई तटीय भाग नीचे धसकर जलमग्न हो जाता है तो इस प्रक्रिया को सबमर्जन कहते हैं। कि कोई तटीय भाग जो नीचे धस जाता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम सबमर्जन कहते हैं, यानी सबमर्ज कहते हैं कि वो भाग वो नीचे धस गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पर्वत निर्माणकारी बल, ओरोजेनेटिक फोर्सेज। ये बल भूपर पट्टी के नीचे पृथ्वी की क्षैतिज हलचलों से उत्पन्न होते हैं। क्षैतिज संचरण के परिणाम स्वरूप चट्टानों में संपीड़न यानी कंप्रेशन, चट्टानों में कंप्रेस होना है, वो स्टार्ट है, वो हो जाता है, यानी ये चट्टानें वो सिकुड़ना है, वो स्टार्ट कर दिए, कंप्रेशन कहते हैं। संपीड़न के कारण तलछटी चट्टानों के कुछ भागों में मोड़ आ जाते हैं, जिससे धरातल लहरों के समान ऊपर नीचे हो जाता है। इस प्रक्रिया को वलन और भ्रंश की रचना होती है, यानी इस प्रक्रिया के कारण इसमें कुछ भाग ऊपर की तरफ उड़ जाता है, कुछ भाग नीचे की तरफ जुड़ जाता है, इसके कारण है वो वलन और भ्रंश की रचना है वो होती है। अब आता है इसमें फर्स्ट है आपका वलन यानी फोल्ड्स। अंतरजात क्षैतिज बल आमने सामने से या किसी एक ओर से चट्टानों पर दबाव डालते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये भाग, या तो ये इधर से दबाव डाल रहा है, ये इधर से दबाव डाल रहा है, ये इधर से और ये इधर से, या फिर ये इधर से दबाव डाल रहे हैं कि आमने सामने से या एक दूसरे के अपोजिट से ये चट्टानों पर दबाव डालते हैं, जिसे संपीड़न कहते हैं। संपीड़न के कारण तलछटी चट्टानों के कुछ भागों में मोड़ आ जाते हैं, जिनसे धरातल लहरों के समान, अब इसके कुछ भाग में मोड़ आ जाते हैं, जिसे लहरों के समान धरातल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। इस प्रक्रिया को वलन कहते हैं। सेकेंड है आपका भ्रंश यानी फॉल्ट। ठीक है, ये चट्टानों का सामान्य रूप से टूटना जिसमें भू संचरण नहीं होता विमंजन कहलाता है। यानी चट्टानों का नॉर्मली रूप से टूटना, सामान्य रूप से टूटना जिसमें संचरण नहीं होता विभंजन कहलाता है। ठीक है, यानी फॉल्ट कहलाता, सॉरी भ्रंश है वो कहलाता है, फॉल्ट कहलाता है। तनाव या संकुचन की तीव्रता के कारण चट्टाने टूटकर विमंजन तल के सहारे ऊपर नीचे विस्थापित हो जाती हैं, इसे भ्रंश कहा जाता है। कि विमंजन तल के सहारे चट्टाने टूटकर ऊपर नीचे है वो स्थापित हो जाती हैं, इसको भ्रंश है या फॉल्ट है वो कहा जाता है। अब आ गया एक बच गया इसका, ये आस्मिक बल। यानी आस्मिक बल वो बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अचानक से उत्पन्न होते हैं, इनका पहले से कोई सूचना है या जानकारी है वो नहीं होती, ये अचानक से उत्पन्न होते हैं और अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ ही सेकेंडों में बहुत भारी बदलाव है वो ला देते हैं। अब आस्मिक बलों के जो एग्जाम्पल हैं वो ज्वालामुखी और भूकंप हैं, ये आस्मिक बल के एग्जाम्पल हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं और कुछ ही सेकंडों में अर्थ सरफेस के ऊपर लॉट्स ऑफ चेंजमेंट है वो क्रिएट कर देते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका एक्सोजेनेटिक फोर्सेज यानी बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल वो बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर उत्पन्न होते हैं और अंतर्जनित बलों द्वारा जो विषमताएं उत्पन्न की जाती हैं उन विषमताओं को समतल करने का कार्य है वो करते हैं। जैसे हवा, जल, हिमनदी, नदी, ये क्या है, ये बहिर्जनित बलों के उदाहरण है और ये भूपृष्ठ पर ऊपर उठे हुए भागों को काट छांट करके धरातल को समतल करने का प्रयास है वो करते हैं। सभी बहिर्जनित यानी सभी जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, सभी बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए, कि सभी जो बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं उनके लिए एक सामान्य शब्द डेनो का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए एक सामान्य शब्द यानी कॉमन वर्ड का इस्तेमाल है वो किया जाता है, जिसको डेनुडेशंस कहा जाता है यानी अनाच्छादन। ठीक है, डेनुडेशन लैटिन भाषा के शब्द डेनुडेर से बना है, यानी जो डेनुडेशन है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड डेनुडेर से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊपरी आवरण, जिसका अर्थ है ऊपरी आवरण को हटाकर चट्टान को निरावर्त करना, यानी चट्टान के ऊपर जो आवरण है, जो कवरिंग है, उस कवरिंग को रिमूव करके, उस कवरिंग को हटाकर चट्टानों को निरावर्त करना। ठीक है,